सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिमांड का मीनिंग क्लैरिफाई कर दिया। जहाँ पे क्लैरिटी आ गई, खाली इच्छा के दम पे हम डिमांड नहीं करते, डिज़ायर के साथ व्हाट वी रिक्वायर, यस एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। अभी कभी भी तुम नोटिस करोगे, हम डिमांड करते समय पहले क्या चेक करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में सिखाया हुआ, कोई भी कमोडिटी से जो सेटिस्फाइंग पावर मिल सकता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। आज सिंपल है, अगर कोई कमोडिटी मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी तो बट ऑब्वियसली ऐसी चीज़ को मैं डिमांड नहीं करूँगा, और अगर उसके अंदर सेटिस्फाइंग पावर है तो ही मैं उसको डिमांड करूँगा। सो डिमांड करने वाला पर्सन कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेगा, यूटिलिटी। इसीलिए डिमांड का बेस क्या है, यूटिलिटी। अभी ये डिमांड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, वन इज प्राइस एंड अनदर इज टाइम। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। प्राइस तुम नोटिस करोगे, डिफरेंट प्राइस देयर विल बी डिफरेंट डिमांड। अलग अलग प्राइसेस पे तुम नोटिस करोगे कि अलग अलग डिमांड होती है। जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूँ जिससे तुम्हें क्लैरिफाई हो जाएगा। सोचो तुम मार्केट में जाते हो और कोई प्रोडक्ट है जो 10 रुपी का है, और तुम्हें घर के लिए उसको ख़रीदना था, तो तुमने वो टाइम पे डिमांड किया 20 क्वांटिटीज। वापस बता रहा हूँ, 10 रुपी तुम कितना डिमांड कर रहे हो, 20 क्वांटिटीज, राइट। बट सोचो कि अगर वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, जैसे कि 5 रुपी का हो जाता है, तो तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट यूजुअली जो हम खरीद रहे हैं वो सस्ता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते, और ज़्यादा खरीदते मतलब ज़्यादा डिमांड करते। सो तुमने क्या नोटिस किया कि मैंने प्राइस को चेंज किया तो डिमांड भी चेंज हो गया, और अगर मैं प्राइस को चेंज कर रहा हूँ डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे प्राइस चेंज होता रहता है डिमांड भी क्या होता जाएगा, चेंज। उसी तरह डिमांड टाइम के ऊपर भी डिपेंड है, तुम कौन से टाइम पे डिमांड करते। आज रेनी सीजन में हम रेनकोट की डिमांड करेंगे, विंटर सीजन में हम रेनकोट की डिमांड नहीं करते। उसी तरह विंटर सीजन में हम स्वेटर की डिमांड करेंगे, समर सीजन में उसको नहीं करेंगे। सो डिपेंड्स अपॉन टाइम तुम क्या चीज़ डिमांड करोगे। इससे ये चीज़ क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड डिमांड डिपेंड्स अपॉन टाइम। और अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि तुम देख रहे हो कि यहाँ पर डिमांड ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो तुम्हें गिव रीज़न में आएगा, डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, गिव रीज़न। तो सबसे पहला पॉइंट यू हैव टू राइट डिमांड का मीनिंग, दैट इज डिमांड इज डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, तुम्हें बताना होगा कि योर डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड टाइम। डिफरेंट प्राइस यू विल फाइंड डिफरेंट डिमांड, एंड डिफरेंट टाइम यू विल फाइंड डिफरेंट डिमांड। हेंस डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड टाइम। तो यहाँ पर हमें डिमांड रिलेटिव कॉन्सेप्ट है वो भी क्लैरिफाई हो गया, डिमांड का मीनिंग भी क्लैरिफाई हो गया। अभी ये जो प्राइस टाइम एज वेल एज डिमांड की मीनिंग, इन सब चीज़ों को साथ में लाकर हम डेफिनेशन ऑफ डिमांड करते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया गया इन सर्टन वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन।